तो ये जो प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हैं, ये बिली आइलिश का ओशन आइज का प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएट हुआ है लॉजिक में। तो जो भी आप लोग इसमें स्टेम्स देख रहे हैं, स्पेशली द वोकल्स, वोकल्स की हार्मनीज, वो ओरिजिनल बिली के रिकॉर्डेड हैं। तो इस प्रोजेक्ट के कुछ स्टेम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो क्यों करूंगा, किस लिए करूंगा, उसको जानने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो सोनार बुक्स वाले वीडियो में मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया था जो कि पूरा नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने खूब ज्यादा मदद की, खूब ज्यादा सपोर्ट किया एंड कोशिश की कि हम लोग उस टारगेट को पूरा करें। तो इस रीजन की वजह से मैंने डिसाइड किया, क्योंकि आप लोग खूब सारा एफर्ट डाल रहे हैं, प्लस जो भी आप लोग प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, जो भी आप लोग शेयर करते हैं वीडियोस को, कमेंट करते हैं वीडियोस पे, तो आई डिसाइडेड कि इस बार का गिव अवे हो ही जाए। तो जो सोनार बुक्स के वीडियो में मैंने ये साउंड आईडी रेफरेंस को अनबॉक्स किया था, इसका मेजरमेंट माइक्रोफोन यूज किया था एंड इवन सोनार वर्क्स का जो कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर था उसको यूज करके अपने मॉनिटर्स को ट्यून किया था, तो इसका एक बंडल मैं किसी भी एक विनर को दूंगा अगस्त के मंथली कॉन्टेस्ट में, यानी कि जो भी अगस्त का मंथली कॉन्टेस्ट जीतता है उसके घर पार्सल हो जाएगा ये बंडल, जिसके अंदर एक मेजरमेंट माइक्रोफोन है एंड इसके अलावा सोनार वर्क्स का जो कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर है उसका भी लाइफ टाइम लाइसेंस मिलेगा। तो आप में से जितने भी लोगों ने इसका वीडियो नहीं चेकआउट किया जरूर चेकआउट करें, बिकॉज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एंड स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग अपने होम सेटअप में काम कर रहे हैं। जिन लोगों के पास अकूस्टिक ट्रीटमेंट करवाने का बजट नहीं है उन लोगों का इससे काफी फायदा होगा। तो टास्क को अनाउंस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जुलाई का जो मंथली कॉन्टेस्ट था उसके रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को सिंपली अपने फोन से कुछ रिकॉर्ड करना था, मे बी अ लाइव इंस्ट्रूमेंट या फिर वोकल्स को, और उसको प्रोसेसिंग करके बेटर साउंड करवाना था। तो हर बार की तरह कुछ एंट्रीज को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, कुछ नाम को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था जिनके मेरे को ट्रैक्स बहुत अच्छे लगे, बट अगर मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो इस बार मेरे को शायद एक या दो एंट्रीज थी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज काफी जगह दिक्कत क्या थी कि काफी लोगों ने या तो रिवर्ब बहुत ज्यादा डाल दिया था अपने ट्रैक्स में, या तो उन्होंने बहुत लाउड और बहुत शार्प कर दिया था साउंड्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और बड़ी दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व की, देयर वाज अ पर्सन जिसने तबला रिकॉर्ड किया था बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे आप लोग फोन से अच्छे से तबले को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैंने उसको प्रोसेसिंग के बाद सुना तो कहीं ना कहीं वो ओवर प्रोसेस हो चुका था और मेरे को वो रॉ साउंड ज्यादा बेटर लग रही थी। और ये चीज सिर्फ एक वीडियो में नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि जो रॉ साउंड कैप्चर की गई थी उसमें जो एसेंस था वो लूज हो गया प्रोसेसिंग के बाद। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ फ्यू पॉइंट्स जिनका आप लोग ध्यान रख सकते हैं अगर आप फ्यूचर में प्रोसेसिंग करते हैं, या स्पेशली जब भी आप अपने ट्रैक्स को मिक्स या मास्टर करते हैं, हर स्टेप में चाहे वो एक छोटा सा कट ही क्यों ना हो इक्यू में, हमेशा वो करने के बाद कंपेयर करें, एबी करके देखें, बिफोर आफ्टर करके देखें अपनी साउंड को कि कहीं आपने जो ओरिजिनल साउंड थी उससे खराब तो नहीं कर दिया ऑडियो को, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर हम लोग इतना ज्यादा उस जोन में चले जाते हैं कि वंस वी स्टार्ट इक्यूइंग, वंस वी स्टार्ट कंप्रेसिंग, हम भूल जाते हैं कि पुरानी साउंड कैसी थी और हम आगे बढ़ते रहते हैं, प्लगइन्स डालते रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि जो आपकी साउंड है उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो लूज ना हो। सो अब अगर मैं उन लोगों के नाम शेयर करूं जिनकी एंट्रीज मेरे को पसंद आई, तो वो है आनंद, विपिन झा म्यूजिक, NEV.ABR एंड हरसिमरन सिंह। तो ये चार जो एंट्रीज थी मेरे को बहुत अच्छा लगा, इन लोगों ने जो एफर्ट डाला, इन लोगों ने जो प्रोसेसिंग की, स्पेशली अगर मैं एफएक्स की बात करूं तो एफएक्स बहुत ही कैलकुलेटेड वे में इन लोगों ने यूज किया। और अब अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो इन चार नामों में से जो फर्स्ट पोजीशन है वो मिलती है हरसिमरन सिंह को। सो कांग्रेचुलेशंस हरसिमरन, आपको एक माइक्रोफोन या फिर रिफ्लेक्शन फिल्टर मिलता है, जो भी आप प्रेफर करें आप उसको चूज कर सकते हैं, मुझे जस्ट एक मेल ड्रॉप करें या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें एंड बहुत ही जल्दी जो आपका प्राइस है वो आप तक पहुंच जाएगा। और अब अगर मैं बाकी तीन लोगों की बात करूं जो टॉप फोर में थे लेकिन उनको फर्स्ट प्राइस नहीं मिला, तो उसका सिंपल सा रीजन यही था कि थोड़ा बहुत एफेक्ट ज्यादा हो गया या किसी में सिबिलेंस ज्यादा हो गई, शार्पनेस ज्यादा हो गई। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप प्रोसेस करें साउंड को तो जो ओरिजिनलिटी है वो लूज ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए आपकी साउंड में, बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी आप साउंड को ब्राइट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ हाईज में अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ती हैं, तो उसी के साथ साथ उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। एट द सेम टाइम जब भी आप लोग एफएक्स डालते हैं, रिवर्ब डालते हैं, तो अमाउंट के अलावा उस रिवर्ब को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इन पे मैंने इन डेप्थ वीडियोस बनाए हैं, इस चैनल पे आपको सारे ही वीडियोस ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, तो आराम से इत्मीनान से जाके आप लोग उनको देख सकते हैं, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।
तो अब अगर हम अगस्त के मंथली कॉन्टेस्ट की टास्क की बात करें तो वो जानने से पहले मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप में से कितने लोग इस प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं। बिकॉज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ एक प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि यहाँ पे प्रोसेसिंग भी हुई हुई है, मिक्सिंग भी हुई हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारे रिवर्ब्स, डिलेज, ईक्यूज, कंप्रेसर्स डाले हुए हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड वोकल्स का ईक्यू आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का है। यहीं पे अगर हम डिफरेंट हार्मनीज के ईक्यू खोल के देखें तो वो बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हुए तो मैं इसका एक इनडेप्थ ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा। तो टास्क को अनाउंस करने से पहले सबसे पहले ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हैं जिसको मैंने लूप किया हुआ है ये मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ, इसको एक बार सुन के देखिए। जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं बहुत ही खूबसूरत साउंड कर रहा है एंड नॉट जस्ट द वोकल्स बट इवन जो म्यूजिक है पीछे, जो टेक्सचर्स उन्होंने यूज किए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग है। तो अब अगर मैं अगस्त के मंथली कॉन्टेस्ट की बात करूं तो आप लोगों का टास्क बहुत ही सिंपल है। जो भी एक कोरस पार्ट था इसमें जो भी आप लोग वोकल लेयर्स सुन रहे थे, लीड वोकल की लेयर्स हो गई, हार्मनी की लेयर्स हो गई, ये सारी लेयर्स का जो डाउनलोड लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप लोग इसकी रॉ फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसका म्यूजिक रिक्रिएट करना है एक डिफरेंट जॉनरा में। सो मे बी हो सकता है कि आप इसको सॉर्ट ऑफ ट्रैप टाइप की वाइब दे या हो सकता है आप इसको एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब दे। मोर ओवर आप लाइव इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, हो सकता है आप इसको थोड़ा सा इंडी साइड पे ले जाए, रॉक साइड पे ले जाए, तो दैट्स टोटली अप टू यू। और जो डेडलाइन है वो है 30th of August। सो हर बार की तरह आप लोगों को अपनी एंट्रीज को अपलोड करना है यूट्यूब पे यूजिंग द हैशटैग्स मिक्स विद वासुदेव एंड राइट आर्मी। एंड जो बिली आइलिश का ओरिजिनल सॉन्ग है विच इज ओशन आइज, उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देना क्योंकि आफ्टर ऑल ये बिली दीदी का गाना है और इस पे मेरा कोई भी राइट नहीं है, तो से जो ओरिजिनल क्रेडिट्स हैं वो देना तो बनता है। इसके अलावा जिसको भी फर्स्ट पोजीशन मिलती है, जिसको भी फर्स्ट प्राइस मिलता है, वो जीतेगा साउंड आईडी रेफरेंस का बंडल जिसके अंदर एक मेजरमेंट माइक्रोफोन है एंड जो सोनार वर्क्स का कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर है उसका लाइफटाइम लाइसेंस। सो इस कॉन्टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो सितंबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस होंगे अलॉन्ग विद अ न्यू कॉन्टेस्ट, न्यू मंथली कॉन्टेस्ट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मे द बेस्ट पर्सन विन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी एक्चुअल में डिजर्व करता हो, जिसकी सबसे इनोवेटिव सबसे क्रिएटिव एंट्री हो उसको ये प्राइज मिले। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ। भाई बिली की आवाज में तो जादू है। हाँ यार बात तो सही बोल रहा है तू। और तो और इस प्रोजेक्ट में म्यूजिक से ज्यादा तो वोकल की लेयर है। एग्जैक्टली, बिकॉज इस गाने का जो लीड इंस्ट्रूमेंट है वो बिली की आवाज खुद है। दैट इज द रीजन तूने ऑब्जर्व किया होगा कि इतने कम एलिमेंट्स होने के बाद भी ये ट्रैक इतना फुलफिलिंग साउंड करता है। हाँ भाई, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। जब हम हार्मनीज को सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं तो इतनी लेयर्स रिकॉर्ड करने का क्या फायदा?